वृंदावन विहारी लाल की राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम पहले एक प्रश्न को श्रवण करें। श्री राधे। श्री राधे राधे। गुरु जी आपके श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। आज का प्रश्न है गुरु जी, मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, इन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है गुरु जी। इनका प्रश्न है, मैं एक दुविधा में पड़ गई हूँ गुरु जी। मैं हर साल गांव छठ पूजा में जाती हूँ, पहले मेरे पास गोपाल जी नहीं थे और अब मेरे पास गोपाल जी हैं, तो उनको छोड़कर कैसे जाऊँ। लेकर जाती हूँ तो स्वच्छता पवित्रता की ट्रेन में परेशानी होगी, 2 दिन लगते हैं, तो क्या मैं उनको मानसिक भोग सेवा कर सकती हूँ ट्रेन में यात्रा के दौरान। कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री राधे राधे। श्री राधे। छठ की पूजा भगवान सूर्य की पूजा होती है बिहार में जो है, और यहाँ ब्रज में छठ की पूजा बलदेव अर्थात बलराम जी के जन्म की होती है, बलदेव छठ बोलते हैं। अयोध्या की तरफ ललही छठ बोलते हैं, अलग अलग होता है। और बिहार में जो है छठ की पूजा वो सूर्य भगवान की, तो सूर्य भगवान तो ऐसी कोई भी जगह दुनिया में नहीं है जहाँ न उपलब्ध हो, हर जगह दर्शन देते हैं, बस कहीं ज़्यादा कहीं कम इतना ही अंतर हो सकता है। कहीं तो क्षितिज के किनारे किनारे ही चलते जाते हैं, रोशनी हल्की, धूप बहुत कम, बर्फ भी पड़ती है, चाहे वो 6 महीने की रात हो 6 महीने का दिन, तो लेकिन सूर्य का दर्शन हर जगह होता है। तो आप जहां पर हैं वहीं से छठ का पूजन कर लीजिए। बिहार में सूर्य भगवान कोई अलग थोड़े हैं, जो सूर्य भगवान बिहार में हैं वही महाराष्ट्र में है। आप महाराष्ट्र से ही पूजन कर लीजिए, और जहां आप पूजा रोजाना करती हैं भगवान कृष्ण की, वहां आपके लिए ज्यादा अनुकूलता रहेगी, छठ का भी पूजन वहीं से करिए। राधे राधे। श्री राधे देव गुरु जी। दूसरा प्रश्न है, देहरादून से सपना जी बोल रही हैं गुरु जी। महाभारत में एक ब्राह्मण को कुआं में लटके उदाहरण के तौर पर बताया है, उसे पढ़कर मन में वैराग्य आता है, मगर यह सब जानते हुए भी मुझे बच्चों की पढ़ाई की चिंता होती है, साथ में यह भी लगता है कि सब बेकार है, इससे बच्चों को सांसारिक लाभ होगा तो क्या फायदा, ज्ञान होने पर भी चिंता नहीं मिटती है, ये कैसा ज्ञान है जिसे जानने के बाद भी वे फिक्री नहीं आती, कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। ये ज्ञान है कर्तव्य बोध वाला, ये वैराग्य वाला ज्ञान नहीं है। वैराग्य वाला ज्ञान होता है तो फिर सब छूट जाता है, उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है। ये कर्तव्य बोध वाला ज्ञान है कि हमारा जन्म हुआ है, हमारे शरीर के द्वारा बच्चों का जन्म हुआ है, तो बच्चों की जिम्मेदारी मान करके कर्तव्य का बोध होता है तो उस कार्य में लग जाते हैं। प्रमुखता हुई संसार के दायित्व की, और गौण हुआ, द्वितीय नंबर का हुआ भगवत भजन। जब भगवत भजन प्रथम नंबर पर पहुंच जाता है तब सांसारिक कार्य गौण हो जाते हैं। तो अभी आप खूब जप करिए, भक्त भगवंत चरितावली और श्रवण करिए, धीरे धीरे वो जो दूसरे नंबर पर है वो पहले नंबर पर आ जाएगा, अर्थात भगवत भजन ही मुख्य हो जाएगा। श्री राधे राधे। गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं दीपिका मेरठ से बोल रही हूँ, मेरे कुछ प्रश्न है गुरुदेव जिनके उत्तर मैं आपसे पाकर अति सौभाग्यशाली अपने आप को मानूंगी। मेरा प्रथम प्रश्न यह है कि गुरुदेव ब्रह्म मुहूर्त का समय फिक्स होता है या सूर्योदय के अनुसार बदलता रहता है, कृपया समझाने की कृपा करें। राधे राधे। राधे राधे। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है रात्रि का चतुर्थ प्रहर होता है, रात्रि का चतुर्थ प्रहर, रात्रि 12 घंटे की होगी तब 3-3 घंटे का एक एक प्रहर होगा। अब वो 12 घंटे की जगह जाड़े में रात्रि 14 घंटा की होती है, गर्मी में 10 घंटे की होती है, तो उसी हिसाब से प्रहर
का छोटा बड़ा स्वरूप हो जाता है। तो चौथा प्रहर जब तीन प्रहर बीत गए तो चौथा प्रहर लगते ही ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है और सूर्योदय तक रहता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव मैं राधा श्याम जी का जाप करती हूँ लेकिन मैं नाम लिखती हूँ और देखती हूँ तो मुझे राधा रमन जी का नाम दिखता है, ऐसा क्यों तक कृपया समझाने की कृपा करें। राधे राधे। श्री राधे। राधा रमन और राधा श्याम में कोई भी अंतर नहीं, वही भगवान राधा रमन है, वही भगवान राधा श्याम है। आपको जो भी मन में आवे अपने भाव के अनुसार लिखते जाइए, प्रभु उसको बिल्कुल उसी प्रकार स्वीकार करेंगे जैसे दूसरे नाम को ऐसे आपके नाम को। राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव एक बार मैं प्रभु से कहा था कि मुझे गुरुदेव से मिला दो, उसी दिन मुझे एक संत के दर्शन हुए, तो क्या प्रभु ने मुझे संकेत दिया है कि वही मेरे गुरुदेव हैं, कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। यदि उन संत के द्वारा आपको भक्ति का रस प्राप्त होता हो, संसार से मन हटता हो, भगवान की तरफ मन जाता हो और प्रेम उत्पन्न होता हो, भक्ति बढ़ती हो, तब आप उनको अपना गुरु मान सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका चौथा प्रश्न है गुरु जी, ये कह रही हैं गुरुदेव क्या बच्चों की शिक्षा और जनेऊ संस्कार कर्म करने चाहिए या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। सबसे ऊंची बात है भगवान से प्रेम होना, उसके पहले का एक स्टेप यह है जो आपने कहा है, किंतु इसको भी सुचारू रूप से करना चाहिए। जैसे शिखा आपने एक बार मुंडन करा के रख दिया, शिखा अर्थात छोटी, अब फिर उसके बाद बच्चे ने फिर कभी जीवन में शिखा नहीं रखा, तो उसको जब शिखा है नहीं तो बांधेगा क्या और उसके विषय में क्या जानेगा। तो आगे भी यदि वो निर्वाह कर सके तो और अच्छा है। और जनेऊ कराने के बाद नियम होता है कि वेद पाठ करे, गायत्री मंत्र का जप करे, कम से कम द्विकाल संध्या करे, तब तो जनेऊ धारण करने का पूरा लाभ है। और जनेऊ पहनने के बाद उसी दिन वो निकाल करके कहीं रख दिया या फेंक दिया और बताने के लिए रह गया कि हाँ मेरी भी जनेऊ हुई थी, बस इसके अलावा और कुछ मतलब नहीं, तो उस जनेऊ का केवल नाम ही रह गया, उसका लाभ नहीं होता है। राधे राधे। श्री राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं पटियाला से बोल रही हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न है कि बाबा क्या जो सिद्ध संत जो अभी अपनी देह छोड़ चुके हैं, जैसे राधा बाबा, हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी महाराज, बाल कृष्ण दास जी महाराज, अगर हम उनको अपने गुरु मान ले और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, क्या आज ही वह हमें दीक्षा दे सकते हैं, क्या हमारे निकुंज प्रवेश हो सकता है, या फिर हमको अभी किन्हीं जो शरीर में हैं गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। बाबा क्या प्रकट में संत का अनुग्रह जरूरी है, क्योंकि हम सच्चे संत को पहचान नहीं सकते और बहुत लोग भेष लेकर गलत रास्ते पर डाल रहे हैं, आज समझ में नहीं आ रहा, कृपया इसका उत्तर दे महाराज जी, मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। जिन महान पुरुषों का नाम आपने लिया है, श्री पोद्दार जी, राधा बाबा, बाल कृष्ण दास जी, ये वास्तव में बहुत ऊंचे महान संत थे, इसमें कोई संदेह नहीं। आप उनके प्रति गुरु भावना रख सकते हैं और दीक्षा तो नहीं देंगे, लेकिन जो उन्होंने उपदेश दिए हैं उनको आप स्वीकार कर लीजिए। जो जपने को, ध्यान करने को, पाठ पूजा करने को, श्रवण करने को, नियम पालन करने को बताया है वो आप चालू कर दीजिए। अधिक से अधिक जप जब होने लग जाएगा, बहुत जप होगा, रात दिन जप होगा, तब कृपा करके स्वप्न में दीक्षा दे सकते हैं। और यदि किसी का बहुत ऊंचा प्रेम हो, बहुत ऊंचा प्रेम, तब प्रकट होकर दीक्षा दे सकते हैं, सामान्य बात यह नहीं है। जैसा मैंने सुनाया था कि बैरिस्टर साहब एक थे, वृंदावन में ही थे, उनको दीक्षा देने के लिए राधा रानी प्रकट होकर के आई थी और
ये तो वृंदावन की बात है, और श्री सुखदेव जी महाराज 5000 साल पहले परीक्षित महाराज को उपदेश करने के लिए, भागवत जी सुनाने के लिए सुखताल में आए थे, किंतु अभी 200 वर्ष पहले चरणदास जी महाराज को दीक्षा देने के लिए सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ था। तो संभव तो है, लेकिन इसके लायक भी हो तभी तो होगा। पात्रता के बिना ऐसे अंतरिक्ष में विराजमान परम सिद्ध संतों का दर्शन नहीं हो पाता है। हाँ, यदि पात्रता हो तो ये प्रकट होकर भी दीक्षा दे सकते हैं। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अनामिका सिंह झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि गुरु जी, मेरी अभी दीक्षा नहीं हुई है। गुरु जी, अभी मैं नीम की माला से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करती हूँ, क्या अब मैं तुलसी की माला से जप कर सकती हूँ गुरु जी? अगर हाँ तो तुलसी की माला से जप करने का क्या नियम है? क्या तुलसी की माला से दिन में कभी भी जप कर सकते हैं? क्या अशुद्ध अवस्था और सोतक में भी तुलसी की माला से जप कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। तुलसी की माला इतना व्यापक क्षेत्र वाली माला है कि जब शरीर अंतिम समय में चीता पर जलाया जाता है, तब भी तुलसी की माला, कंठी, लकड़ी सब रखी जाती शरीर पर, और उसके साथ साथ भस्म हो जाता है देह। तो कोई भी अपवित्रता उसको अपवित्र नहीं कर सकती है। मुर्दे के ऊपर रखा गया तब भी तुलसी की माला अपवित्र नहीं हुई, और गले में पहने हुए हैं, राम नाम सत्य बोलते हुए मुर्दे को लेके जाते हैं, तब अपवित्र नहीं हुई। जप करते समय यह शरीर थोड़ी देर के लिए अशुद्ध हो गया है, उससे क्या तुलसी की माला अशुद्ध हो जाएगी? ये बात बिल्कुल निराधार है। तुलसी की माला नहीं अशुद्ध हो जाएगी। आप अपने मन को प्रेम से भर कर रखिए, ये तो हाड़ मांस का शरीर है ही, क्या पहले इसमें खून नहीं था या गंदगी नहीं थी? टट्टी पेशाब सारी गंदगी तो शरीर में भरी ही पड़ी है। अरे थोड़ा बाहर हुआ चाहे भीतर हुआ, तुलसी मैया की कृपा में कमी थोड़ी आ जाएगी भाई। तुलसी की माला तो चिता में भी रखते हैं, गंदगी में रहते हैं सब, तब भी पहने रहते हैं, शौच आदि में जाते हैं तब भी नहीं निकाली जाती है, तो फिर थोड़ी सी अशुद्धि वाली बात को लेकर के भजन नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें बड़ा भारी घाटा है, अपना नुकसान है। इसलिए भक्ति खूब करो, चाहे अवस्था कोई भी हो। अरे एक समय ऐसा भी आता है बुढ़ापे में कि मल मूत्र शरीर से निकलता रहता है और सफाई नहीं हो पाती है। अब उस समय आप भजन छोड़ दोगे तो अपना ही नुकसान कर लोगे, क्योंकि उसके बाद तो मृत्यु हो जाएगी। अब मृत्यु हो जाएगी और तुमने भजन पहले से ही छोड़ दिया, तब तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा। इसलिए अशुद्धि के नाम पर भजन छोड़ना, तुलसी की माला नहीं छुएंगे, ये ना समझे की बातें हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरु जी, ये कह रही हैं, गुरु जी क्या लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी का उत्सव 12 बजे ही मनाना चाहिए या पहले भी यह उत्सव मना सकते हैं? मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है और मैं अपने पुत्र रूप में सेवा करती हूँ। अपने छोटे बच्चे को रात को 12 बजे स्नान और श्रृंगार भोग लगाना अच्छा नहीं लगता, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, भाव से ही भक्ति होती है, भाव तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। आपका यदि वात्सल्य भाव है, बच्चे वाला भाव, तो आप भगवान को आधी रात तक जगाइए नहीं, सुला दीजिए, लेकिन उनको 12 बजे रात को थोड़ी देर के लिए जगा दीजिए, 5 मिनट के लिए। पहले सुबह शाम से ही सुला दीजिए, शाम को ही खिला पिला के सुला दीजिए, शाम को 7 बजे 8 बजे सुला दीजिए, और रात को जब 12 बजने में 2-3 मिनट कम रह जाए तब जगा दीजिए। कह रहे तुम्हारा जन्म का समय आ गया है, थोड़ा सा आँख खोलो, दर्शन कर लो, सजावट हुई है, हम लोग आरती करना चाहते हैं, 5 मिनट के लिए जगाओ
और फिर सुला दो। शाम से सुला रहे थे, 12 बजे रात को जगाए, 5 मिनट के बाद उसको खिला पिला के फिर सुला दो, तो उतने में कोई भी उनको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि उत्सव का आनंद मिल जाएगा। श्री राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। मेरा नाम योगिता है, मैं देहरादून उत्तराखंड में रहती हूँ। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि मुझे सपने में हमेशा पानी दिखता है, बारिश और बड़ी बड़ी झीलें दिखती हैं, और उसमें मगरमच्छ दिखते हैं। कुछ वह कुछ करते नहीं, पर यह सपने में हमेशा आता है, और वह जगह जहाँ पानी है और मगरमच्छ, वह हमेशा एक जैसे ही दिखते हैं, इसका क्या अर्थ हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। राधे राधे। श्री राधे राधे। निगेटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करो। कोई भी दृश्य हो, पानी अर्थात गंगा जी, गंगा जी शिव जी के जटा से निकल रही हैं, कल्याण कर रही हैं, दर्शन स्वप्न में हो चाहे जागृत में हो, और घड़ियाल जो है मगर, वो गंगा जी का वाहन है, गंगा जी वाहन सहित दर्शन दे रही हैं, शिव जी के जटा में दर्शन दे रही हैं और मगर के ऊपर विराजमान होकर भी दर्शन दे रही हैं, उनको प्रणाम कर लो, सपना जो है तुम्हारा कल्याणकारी हो जाएगा महाराज। जहां आपने गलत सोचना शुरू किया, फिर उसका कल्याण का लाभ नहीं मिलेगा। एक प्रेत का दर्शन मिलने पर आदमी, साधारण आदमी तो घबरा जाएगा, डरेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, भागेगा, लेकिन नामदेव जी को प्रेत का दर्शन मिला था, नामदेव भक्त को, संत को महाराष्ट्र में, तो वो खूब नाचे और बोले, कन्हैया ये रूप तेरा पहली बार मैंने देखा। उन्होंने कहा, कन्हैया तेरा ये रूप मैंने पहली बार देखा है, ये तो बड़ा अद्भुत रूप है महाराज, प्रेत का भी उद्धार हो गया। ऐसा उनका भगवत भाव था, पवित्र भगवत भाव, कि उस प्रेत का उद्धार हो गया। तो जो भी दृश्य है उसको भगवान से जोड़ दो तो भक्ति हो जाता है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम। मेरा नाम पूजा है, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मैं प्रत्यक्ष में राधा कृष्ण जपती हूँ, लेकिन ध्यान में राधा रमन जप करती हूँ, क्या यह सही है? कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी संदेह नहीं करिएगा, इसके सत्य होने में रंच मात्र भी भ्रम वाली कोई बात नहीं है। राधा रमण जो हैं वही भगवान राधा कृष्ण हैं, राधा श्याम हैं, इसलिए आपको भाव से प्रेम से जपते रहो। राधे राधे। श्री राधे राधे। महाराज जी, मेरा नाम रानू पटेल है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि राधा कुंड में अर्ध रात्रि में स्नान करने से क्या संतान की प्राप्ति हो जाती है? अहोई अष्टमी के दिन कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। श्री राधे। अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं और राधा कुंड में स्नान करते हैं, इतनी बात तो सत्य है, किंतु सभी को एक जैसा लाभ होगा ऐसा नहीं हो सकता है, वह आपके भाव के ऊपर, निष्ठा के ऊपर है। अब सभी तो स्नान भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा जल छिड़क लेते हैं, बैठ जाते हैं, इतने से संतोष कर लेते हैं, कोई पूरा कंठ भर जल में खड़े रहते हैं। कछुआ बहुत हैं राधा कुंड में, तो कई लोग कछुआ दिखलाई पड़ गया तो फिर बहुत दूर रहते हैं, घुसने को, स्नान करने को तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है उनके लिए। तो आपका जितना भाव होगा उसी हिसाब से लाभ होगा। वो तिथि जो निश्चय की गई है होली अष्टमी की, वो सत्य है, कोई उसमें गलत बात नहीं है। आप पूरी रात जगेंगे तब लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं कि आधा घंटा आधा घंटा आपने कर लिया तो राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं, और कई लोग राधा कृपा कटाक्ष और कृष्ण कृपा कटाक्ष दोनों का पाठ करते हैं अहोई अष्टमी की रात को, तो शाम होने से लेकर के पूरी रात बीत जाए और सुबह हो जाए 12 घंटा, तब तक लगातार राधा कुंड की सीढ़ी पर बैठे आचमन करते रहो, आरती करते रहो, पाठ करते रहो, सो नहीं न उठ करके जाओ, तब लाभ का पूर्ण संयोग बनता है। और यदि आप भक्ति का लाभ चाहते हैं तो वो भी मिलता है।
संतान सुख की बात है तो संतान का भी लाभ मिलता है, जिनको जो चाहिए वही राधा रानी कृपा मई प्रदान कर देती है। गुरु जी, जो यहाँ के वृंदावन के शालिग्राम छोटे राज सवा मन के कैसे होंगे? शालिग्राम जी हमेशा छोटे ही नहीं होते हैं, छोटे जो पूजा करने में सरल होते हैं उनको हाथ से उठा लो, सिर पर रख लो, जहाँ चाहो लिए जाओ। और ऐसे भी शालिग्राम संतों ने रखे हैं जो नेत्र की पलक में रख लेते हैं। और एक भक्त का वर्णन मिलता है कि वो अपने मुंह में ही रखते थे, मुंह में ही, चंद्रहास के, चंद्रहास का नाम प्रसिद्ध, वो अपने मुख में शालिग्राम रखते थे और कभी कभी तो कन्हैया भी मुख में रख लेते। वो नंद बाबा पूजा कर रहे हैं और लाला खेलते खेलते गया, अब कब रख लिया मुंह में पता ही नहीं। अब नंद बाबा परेशान कि हमारे शालिग्राम जी कहाँ चले गए। जब बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो मुंह में से निकाल के रख दिया, लो ये। तो छोटे जो रहते हैं वो उनकी पूजा सरल है। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी बड़े नहीं होते, शालिग्राम जी बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। अब सवा मन वाले शालिग्राम जो उसमें दो हैं, एक 40 किलो के एक 50 किलो के हैं, अर्थात एक मन के और सवा मन के। अब आप वहां जाइए, यदि मुक्तिनाथ गंडकी के किनारे जाए और दामोदर कुंड जाए तो और भी बड़े बड़े मिल जाते हैं, सवा मन के, कई कई मन के मिल जाते हैं। लेकिन उनको ले आना मुश्किल है, और पूजा करनी हो तो स्नान उठा के तो करा नहीं पाओगे, न कोई बर्तन में रख पाओगे, न सही पूरा पोंछ पाओगे, नीचे पोंछने लगोगे उंगली दब गई तो कहोगे दूसरे से निकालो निकालो। तो जितने छोटे रहते हैं उतने ही सरलता से उनकी पूजा हो जाती, छोटे बड़े सब तरह के होते हैं, जहाँ जिस भक्त को जैसा पसंद आते हैं वैसे होते हैं। हम एक दिन सवा मनु शालिग्राम की कथा सुना चुके हैं इसलिए नहीं सुना रहे। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक रोटी खाने पर भी शरीर में, एक रोटी खाने पर भी शरीर में बहुत आलस और तमोगुण रहता है, इसका क्या कारण होता है? मतलब भोजन ज्यादा नहीं करते फिर भी आलस और तमोगुण बना रहता है कि बस सो जाऊं। ये भोजन की बात इसमें नहीं है, थोड़ा प्रभाव भोजन का है। शरीर में जो वात पित्त कफ होता है ना, उसका असर है। जब बैलेंस हो तीनों का, बैलेंस हो तीनों का, तब उत्साह वर्धन रहता है और खूब मन होता है कि सही ढंग से अपना सेवा कार्य करें। बैलेंस हो मन, ये वात पित्त कफ तो, और प्रीति करें जब तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। जब ये तीनों ही कुपित हो जाते हैं तो सारी बीमारियां भयंकर रूप धारण करती हैं। सन्निपात की बीमारी जब हो जाती है तो बकबक करता रहता है जी, उसे पता नहीं क्या बोल रहा, बेहोश रहता है। तो ऐसे ही किसी को वात ज्यादा कुपित हो जाए, वात पित्त कफ में से एक वात, वात भयंकर परसेंटेज में ज्यादा हो गया। अब परसेंटेज में वात, वात मतलब वायु विकार। अब ये जो एलोपैथी के हिसाब से ब्लड टेस्ट होता है उसमें ये नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जिन जिन चीजों को वो चेक करते हैं उसमें ये वायु नहीं होती है, वायु की परसेंटेज होती है जिसको वात का विकार कहा जाता है, वो चेकअप में नहीं मिलेगा, वो नाड़ी की गति से पता चलता है। तो वात जब कुपित हो जाती है तो उसको महाराज अर्धांग पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, या इतना फड़फड़ाता रहता है शरीर की रुकता ही नहीं है, और पार्किंसंस डिजीज हो जाती है उसको। तो ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि बिल्कुल ही शरीर उसका कितना खिला लो उसको कोई असर नहीं पड़ता, वात कुपित हो गया। और किसी को पित्त बहुत ज्यादा कुपित हो गया, इतना ड्राई स्किन हो जाएगी, कितनी ह्यूमिडिटी हो लेकिन ड्राइनेस नहीं उसका जाता है,
तो ये खाने से नहीं, उसका ब्लड जो है उसका संगठन गड़बड़ हो गया है, और कफ ज्यादा बढ़ गया तो उसका लंग्स जो है वो हमेशा भरा रहेगा कफ से, सांस भी फूलेगी, खांसी भी आएगी। तो ये खाने से तुरंत नहीं ठीक होगा, खाने से थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है, ये प्राणायाम से कुछ ठीक होता है। और तीनों बैलेंस में हो जाएं इसके लिए कुछ भक्ति का भी सहारा लेना पड़ेगा, जैसे अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ये भी जप करना होगा, प्राणायाम भी करना होगा, भोजन का भी सुधार करना होगा, और निराशा छोड़ करके भगवान के ऊपर भरोसा करके भक्ति में लगे रहने से धीरे धीरे ये सब बैलेंस हो, टाइम लगता है, झटपट नहीं होता है। तो थोड़ा खा लेने से सब ठीक हो जाए ऐसा नहीं है। तो यदि किसी के अंदर कोई ऐसी गड़बड़ी है तो निराश नहीं होना, भक्ति करना है, लेकिन जो जो चीजें मैंने बताया उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। श्री राधे राधे। राधे राधे। मेरा प्रश्न है कि जब कृष्ण ने इस उंगली पे पर्वत उठाया था। अच्छा अच्छा, राधे राधे, ये भगवान की ऐश्वर्य लीला थी। माधुर्य लीला जब होती है तो मधुर लीला में वो इतना ज्यादा कोमलांग हो जाते हैं कि यदि उनके धीरे से भी उनका चरण कोई दबाए तो कहेंगे अरे तुमने इतना जोर से दबा दिया, इतना हमारा कोमल शरीर है। ये मधुर लीला, ऐश्वर्य लीला में उन्होंने ये दिखाया कि यदि मैं पूरा दोनों हाथ लगाऊं तो धरती को उठा कर फेंक सकता हूं, दोनों हाथ लगाऊं तो धरती नहीं ब्रह्मांड को उठा के फेंक सकता हूं। और वो तो मैंने केवल एक कनिष्ठिका, सबसे छोटी जो स्मॉल फिंगर है, सबसे छोटी वाली उंगली जो है, इसी से 7 दिन 7 रात गोवर्धन जी को उठाए रखे ठाकुर जी। तो उन्होंने ये दिखला दिया कि उनका अपरिमित असीमित बल है, ये सबसे छोटी उंगली जो सबसे कम यूज की जाती है काम में, और किसी के लिए जल्दी उपयोग में नहीं करते देखते होंगे, देखे होंगे आप, लेकिन उनसे एक उंगली से 7 दिन 7 रात उसको टिकाए रखे, पर्वत हिला डुला भी नहीं, ऊपर से वज्र वज्र का आघात हो रहा था इंद्र के द्वारा, फिर भी नहीं डगमगाया पर्वत। तो भगवान ने दिखलाया है कि इंद्र का वज्र भी मेरी कनिष्ठिका उंगली के बराबर नहीं हो सकता है, और मैं चाहूं तो सब कुछ एक उंगली से ही, अंगुल्य ग्राण तान हन्याम इच्छन हरि गणेश्वर। भगवान राम जी ने कहा है कि मैं उंगली के अग्र भाग से ही सारी दुनिया के राक्षसों को मार सकता हूं, तो इसलिए तुम डरो नहीं, विभीषण को शरण में ले आओ। लोगों ने कहा था विभीषण जो आपके दुश्मन का भाई है, तो भगवान ने कहा कनिष्ठिका उंगली के अग्र भाग से सारी दुनिया के राक्षसों को मैं मार सकता हूं, सारे राक्षसों को, एक को नहीं, इतनी शक्ति तो मेरी कनिष्ठिका में है, सबसे छोटी उंगली में, इसलिए तुम लोग निर्भय हो जाओ। तो ठाकुर जी अपने भक्तों को निर्भय बनाने के लिए ये अपने ये ऐश्वर्य की लीला प्रकट की है कि मेरे अंदर जितनी शक्ति है उसका कैलकुलेशन कोई कर नहीं सकता है, इसलिए निर्भय हो जाओ कि मैं तुम्हारा ऐसा मित्र हूं जो सर्वज्ञ हूं, सबसे ज्यादा हितैषी हूं, सबसे ज्यादा शक्तिमान हूं, इसलिए तुम्हारा हितैषी होने के कारण, शक्तिमान होने के कारण तुमको मैं अभय प्रदान कर रहा हूं। तो ये अभय प्रदान करने की लीला थी, भक्तों को निर्भयता प्रदान कर दिया अपनी एक छोटी सी शक्ति का प्रयोग करके। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे।